सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में किसानों का प्रदर्शन जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान संगठनों ने अपने क्षेत्रों में सोमवार को हाईवे पर ट्रैक्टरों की श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने अपने ट्रैक्टरों का मुंह दिल्ली की ओर रखकर सरकार को चेतावनी दी। एमएसपी गारंटी की लड़ाई के लिए इसे किसानों के दिल्ली कूच का रिहर्सल कहा जा रहा है। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने मोदी सरकार द्वारा किए गए वादे को पूरा करवाने की लड़ाई पहले से छेड़ रखी है, जिसमें कूदने की रणनीति संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े संगठन भी बना रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने भी प्रदर्शन किया। वेस्ट यूपी के मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत की अगुवाई में किसान ट्रैक्टरों के साथ सड़कों पर उतरे। इस दौरान हरिद्वार की सीमा से मेरठ की सीमा तक करीब 50 किलोमीटर में किसानों ने ट्रैक्टरों की श्रृंखला बनाई और दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे की एक साइड पर हजारों ट्रैक्टरों का मुंह किसानों ने दिल्ली की ओर रखा। इस दौरान मीडिया से बातचीत में भाकियू के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने चेतावनी देते हुए कहा कि किसानों के ट्रैक्टरों का मुंह दिल्ली की ओर है और ये ट्रैक्टर कभी भी दिल्ली पहुँच सकते हैं। आज अपनी हक की लड़ाई में पूरे देश का किसान एकजुट है, लेकिन ये उद्योगपतियों की मोदी सरकार है बहुत मुश्किल से मिलेगा। चेतावनी ये दिएगा दिल्ली की तरफ को, इनका मुंह है, कभी भी दिल्ली आ सके। क्या कहेंगे, शंभू बॉर्डर पर भी किसान जो है लगे हुए हैं, किस तरह लगे हुए? पूरे देश का किसान लगा हुआ है, उद्योगपतियों की सरकार है, बहुत मुश्किल बन रही है। व्यापारी है, अगर सौदा देना कुछ ना कुछ तो उसका भी एक घंटे लोग को तो सौदेबाजी करे उसकी भी। क्या मांग थी? मांग है एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, बिजली के इशू हैं, भूमि अधिग्रहण है, ये इशू है हमारा। क्या 4-13 महीने से ऊपर चलेगा इस बार भी? क्या पता कितने दिन चलेगा, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ। आज 5 घंटे की जो है आंदोलन चला है किसानों का सड़कों पर, तो क्या आगे इसके बाद आज कोई रणनीति? अभी देखेंगे, इसके हम फिर बातचीत करेंगे और आगे का क्या निर्णय होगा। सरकार पर कितना असर पड़ेगा आपके? पता नहीं भाई, हमें तो पता। कितने घंटे का आज ये प्रदर्शन? 5 घंटे 11 से 4। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा ने तमाम संगठनों को 26 फरवरी के लिए प्रदर्शन का कॉल दिया था। एसकेएम के इसी कॉल के चलते वेस्ट यूपी में किसानों का सड़क पर मूवमेंट दिखाई दिया। संयुक्त किसान मोर्चा इसके जरिए केंद्र की मोदी सरकार को चेता रहे हैं। उसका इशारा साफ है कि अगर किसानों से किए वादों को शीघ्र ही सरकार पूरा नहीं करती है तो किसानों का ये आंदोलन पूर्व की भांति ही बड़ा होगा। टिकैत के नेतृत्व वाला भारतीय किसान यूनियन भी संयुक्त किसान मोर्चा का अहम हिस्सा है, इसलिए राकेश टिकैत ने अपने राजधानी मुजफ्फरनगर में ट्रैक्टरों को सड़क पर लाकर मोदी सरकार पर एमएसपी गारंटी कानून के पक्ष में दबाव बनाने की अपनी तय रणनीति पर काम किया है। हालांकि ये किसानों के दिल्ली कूच से पूर्व का रिहर्सल है या फिर रस्म अदायगी, इस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े संगठन किसानों के आंदोलन को समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन दूर से ही समर्थन का ये खेल हो रहा है। जबकि पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन में विधिवत तरीके से शामिल होने की जहमत अभी तक किसी एसकेएम से जुड़े संगठन ने नहीं उठाई है। इससे किसान संगठनों के बीच की आपसी सियासी कहानी को काफी हद तक समझा भी जा सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरनगर से अमित कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।